ओम धनवंतरी स्वाहा। कूर में लग सताइए, कपूर से सताइए, तब कर कूर गौरम होता है, रुई गौरम नहीं है। साली मतलब आधी घर वाली। वाह। जी अभी हम पापा के साथ आए हुए हैं काली मंदिर, देख रहे होंगे मेरे पीछे काली मंदिर है। पापा गए हैं प्रसाद लेने, वो प्रसाद लेकर के आएंगे, फिर अंदर पूजा करेंगे। और कल हमारे यहाँ जो है घर में पूजा है, जैसा कि हमने कहा था कि हम ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट करने से पहले पूजा करवाएंगे, तो वही पूजा कल है। उस पूजा को लेकर अभी कुछ शॉपिंग करनी है, उसी के लिए हम पापा के साथ आए हैं, लेकिन पहले मंदिर दर्शन करेंगे, फिर आगे की जो भी खरीदारी है वो करेंगे। A few moments later. तो पापा जो है पूजा करके आ गए हैं, बाकी यहाँ जो हलवाई है उनसे बात करने गए हैं। तो कल पूजा है जैसा कि हमने बताया, और पूजा के साथ साथ एक छोटा सा भोज का कार्यक्रम भी है हमारे यहाँ, उसी के लिए हलवाई से कुछ बात करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ पापा का, और वो आएंगे फिर चलेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या करना है। The next day. और जी यह है हमारी छोटी मौसी जो पूजा के मौके पर आई है, और यह मौसी जब भी घर आती है एकदम खुशनुमा माहौल हो जाता है घर का। देख ही रहे सभी यहाँ पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और एक अलग ही चहल पहल हो जाती है शुरू घर में। और यही मौसी है जिन्होंने मेरा ख्याल बचपन से लेके 7 साल तक रखा है, और इन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया है। ऊपर जाइए। तो जी आज ही हमारे घर में पूजा, और पूजा को लेकर के सारी तैयारी चल रही है। जिया ऊपर गई हुई है किचन, आज हमारा जो नया चूल्हा आया हुआ है उस चूल्हा का उद्घाटन होगा, उसी चूल्हा पर प्रसाद को तैयार किया जाएगा, तो हम चलते हैं ऊपर। और ये सुनिए, एक माला भी होता है वो फूल हाँ। वाला गेट में लगाने के लिए हाँ। वो खरीद दीजिएगा। ठीक है, ले आता हूं। फिर जी हम अपनी मौसी की बेटी वर्षा के साथ हम चले गए मार्केट फूल लाने के लिए। जिया ने कहा था कि मार्केट से आते वक्त कुछ भी भूल जाना, लेकिन फूल नहीं भूलना। जब भी पूजा घर में होती है तो जिया सबसे पहले सोचती है कि घर की सजावट अच्छी होनी चाहिए, तो जी हम चले गए मार्केट। फिर जी फूल लेने के बाद हमें पूजा के लिए कुछ और भी सामान लेना था। पूजा की तो देखिए जी हमें सारी लिस्ट थमा दी गई थी, लेकिन सभी को पूरा भरोसा था मेरे ऊपर कि मैं कुछ ना कुछ सामान ज़रूर भूलूंगा, तो इसलिए साथ में वर्षा को लगा दिया गया। और वर्षा को जो है पूजा के सामान का अच्छा खासा आइडिया रहता है, तो जो जो सामान लिस्ट में रह गया वर्षा और भी बाकी सामान सब खरीद कर ले आई। तो देखिए वर्षा कर रही है यहाँ खरीदारी। ये सब कुछ तो ले लिया था, लेकिन बस चौरठ लेना भूल गए। चौरठ मतलब जी चावल का जो पिसा हुआ रहता है, तो उसका भी जरूरत होता है पूजा में, तो मेरी बहन ले रही है, फिर वो लेकर के चलते हैं घर। तो जी हम आ गए हैं घर, और देखिए किस तरह से सामान यहाँ बिखरा हुआ है। अच्छा, और यहाँ यहाँ जिया जो है पूजा का बर्तन धो रही है पीताम्बर से है। हाँ, और इधर हमारा चूल्हा, इसका उद्घाटन होगा आज, यह हमने मीशो से लिया है। आज तुम ही उद्घाटन करेगी चूल्हा का? उद्घाटन करेंगे नहीं। सही बात है। साली से बढ़ के हाँ किसी के हाथ से नहीं होता। साली मतलब आधी घर वाली। वाह, दिया भी आ गया है। अब हम तो दिया के लेने दो आज बोले हैं। चलो चलो। तो यहाँ मेरा भाई केला ले रहा है। ये हमारी भाभी हैं और ये तैयारी कर रही हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है। अच्छा है। अब वहाँ पे बाहर में उधर पे लगाइएगा। अब यहाँ पर समस्या यह हो गई है, फूल तो आ गया है, इसका गांठ किसी से खुल नहीं रहा है। उधर वो लगी है गांठ खुलने में, इधर जिया गांठ खोलने की तैयारी कर रही है। बेचारी परेशान है पिछले 10 मिनट से, कह रही है कोई तो गांठ खोल दो, कोई तो खोल दो। सब गांठने में लगे हैं। चलो गैस लाते हैं। हम दोनों से तो रेगुलेटर लग नहीं पाया ढंग से, तब ये भाई साहब को बुलाए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं। सिंदूर ला।
बिल्कुल। अब विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस घर में उन्नति हो। तो यहाँ पर सभी रसोई आ गए हैं और आंटी जो है चूल्हा पूज रही है। चूल्हा पूजने के बाद ही इस पर खाना बनेगा, यही हमारे यहाँ की रस्म है। चलो दो दो बातें हैं, पूजा कर हम चूल्हा स्टार्ट करें। उधर पतिदेव और हमारे देवर जी शॉपिंग करने में बहुत ही बिजी थे और हमें फूल ला करके दे दिए, और मेरी ननद रानी और हम डेकोरेशन करने में बिजी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही मेहनत लग रहा है। यहाँ देखिए जिया जो है हर एक रूम में माला लगा रही है। जिया ने सोच रखा था कि एक भी जगह नहीं छोड़ना है जहाँ पर सजावट नहीं करना है, और जिया ने कर भी दिया। और जिया जब सजावट कर रही थी उसी बीच में आ गई हमारी मौसी, और उस बीच में एक कोई ना कोई सगुफा छोड़ देती है जिसे सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखिए अभी और जी यहाँ पर जो है इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। देख सकते हैं मेरा भाई यहाँ पर सब्जी खरीद रहा है। जी हमें आज एहसास हुआ कि हमें जो है यह सब कुछ इंतजाम एक दिन पहले एडवांस में कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। और ऊपर से हम लोग सभी सहे हुए थे कि जब तक घर में पूजा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग खाना नहीं कहेंगे, और हमारा इसी तरह से भागा दौड़ी चलती रही थी। हमारी इतनी भाग दौड़ लग रही है, इतने राउंड और आना पड़ेगा मार्केट भगवान जाने। तो चलते हैं अब घर। पूजा का प्रसाद भूज रहे हैं, मैदा भूज हो जाएगा, तब इसमें काजू किशमिश छुहारा घी पसानेंगे, और उसके बाद में लास्ट समय में अच्छा। पूजा का प्रसाद हमको लगता भी बहुत अच्छा है, कम से कम 3-4 कटोरी खाते हैं हर बार। A few moments later. जी अभी भी भागा दौड़ी खत्म नहीं हुई है, और हम आए हुए पूजा के लिए जो मिठाई ऑर्डर किया था वो मिठाई लेने के लिए, तो यहाँ पर भाई अपना नंबर है। क्या पहनेंगे? हाँ, सादा फूल कुछ भी निकाल दो। सादा फूल धोती पहनना पड़ेगा या कुछ भी, आप पहले पूछ लीजिए फिर हम। ठीक है, जो भी पहनना पड़ेगा हम देखेंगे। तो जी अब हम आ गए हैं घर, और इतनी भागा दौड़ी हुई आज की पूछी मत, और पता नहीं कितनी भागा दौड़ी बाकी है। पर हमारी जो जिया महारानी है अभी अपना साड़ी निकाली है, इसके पीछे भी एक कहानी है, जल्दी से आपको बता देता हूँ। वो जो ऊपर दिख रहे हैं ना ट्रॉली, तो जिया इंतजार कर रही थी कि हम मार्केट से आएंगे भागा दौड़ी करके, वो ट्रॉली उतारेंगे फिर उसमें से साड़ी निकलेगा और आप पहनेगी, तो आप पहन रही है। तो ये हाल है जी, पहन भी नहीं रही, अभी चुन रही है कि कौन सा पहनना है। Eventually. जी अब पूजा का समय आ चुका है, और अब हम धोती पहन लिया, अभी शर्ट पहने हुए हैं। असल में यह शर्ट भी नहीं पहना जाता है, लेकिन क्योंकि अभी ठंड है इसलिए कहा गया कि आप शर्ट पहने रखो, और अपना इस धोती में आप करते हैं पूजा। बाकी पंडित जी भी आ चुके हैं। फिर जी पंडित जी के आने के बाद मौसी तो एकदम बन गई पूरी एक्सप्रेस ट्रेन, झटाझट झटाझट जितना जल्दी काम कर सकती थी, पूरा इधर मंडप सजाना हो उधर फल काटना हो सब कुछ मौसी ने तुरंत निपटा दिया। ओम अपवित्रा पवित्रवा प्रभावस्तांग दुर्गा यस्मै पुनरीकाक्षं स्वाहा यद्यन्द्रस्य पुनरीकाक्षं प्रति शरणा। अद्यावाहि देवताभ्यो नमः। फूल में लाल पीला चंदन लगा करके ओम में शुद्धोदक जल मग्न प्रोसन श्याम शिवाय नमः। ओम धन्वंतरी स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा, भगवान सत्यनारायणाय स्वाहा। कपूर में लग सताइए, कपूर से सताइए, तब कपूर गरम होता है, रुई गरम नहीं है। सहित नमामि सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
भीम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव। आप एक काम कीजिएगा सुनिए ना, जी हो गया है पूजा का समाप्त, प्रसाद भी बढ़ चुका है और यहाँ बगल में हमारे पंडित जी, इन्होंने पूजा काफी अच्छे से संपन्न करा दिया। हम लोग जैसे जिनको पूजा में बैठने की आदत नहीं है, लगता शायद ये किया दो बार, दूसरी बार बैठे हैं हम, लेकिन पंडित जी ने इस तरह से फील कराया कि जैसे कि हम पहली बार बैठे ही नहीं, कई समय से बैठ रहे हैं। तो धन्यवाद पंडित जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है। और यहाँ मेरी आंटी प्रसाद का पूरा जिम्मा ली हुई थी, हर एक पूजा की एक एक जिम्मेदारी, तो सही तरीके से सब संपन्न हो गया। प्रसाद खाने में पीछे रहेंगे तो वो क्या लगता है? नहीं, फिर जी प्रसाद वितरण के बाद बारी आई हमारी एक छोटी सी दावत की, जिसमें हमारे पड़ोस के लोग आए हुए थे, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, और इसी के साथ हमारा पूजा संपन्न हुआ। और हम लोग अब वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कराएंगे होम टूर।